रानी जल्दी से ले आओ चाय। नरगिस जी जी जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं? राशिद का रिश्ता तय करने। राशिद का रिश्ता? मगर कहाँ? सवाल जवाब मुझे नहीं चाहिए, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम है, फल फ्रूट सब चीज लेना है, देर हो जाएगी, खाना भी वहीं खाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग हैं वो, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, आप मुझे लेकर चले राशिद का रिश्ता तय करने। तुमने अपनी कोशिश कर ली, क्या मिला? बेइज्जती ना। अब जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ कम से कम बेइज्जती कोई नहीं करेगा। लेकिन मुख्तार साहब पता तो चले हम कहाँ जा रहे हैं। पता चल जाएगा, तैयारी करो। वो तो ठीक है, लेकिन राशिद नहीं है घर पर, उससे तो पूछना है ना। कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की, मैं बाप हूँ उसका, जो कुछ करूंगा उसके और खानदान की बेहतरी के लिए करूंगा, समझी? अच्छा लेकिन बताएं तो सही, कौन लोग हैं वो, कहाँ जा रहे हैं हम? बार बार एक ही सवाल क्यों करे चली जा रही हो, जो कहा है वो करो। जी अच्छा, जल्दी। वालेकुम सलाम, ये बर्ची खाने में रख दो। जल्दी आ गए आज आप? हाँ वो भाईजान आ रहे हैं ना, वो खड़े कीमे की फरमाइश की थी तो ये कीमा लेकर आए। अच्छा आपने बात की ना मुख्तार भाई से? हाँ हाँ की। फिर खाना तो बनाओ ना, वो आते हैं तो बैठ के करते हैं। चलो इतने दिन कहाँ थे तुम? क्या बताऊं यार, एक मसला हो गया था। कैसा मसला? अब्बा जी और क्या, उनको पता लग गया यहां आता जाता हूं, मुखबरी कर दी किसी ने, बस मीटर घूम गया उनका। चलो जी, एक तो तुम लोग अपने अब्बा जी से बहुत डरते हो। मुझे देखो, मेरे अम्मी अब्बा की मजाल नहीं है कि मेरे आगे ऊंचा भी बोल सके। हुस्न का रोब, रो भी बहुत है। हुस्न के साथ कमाई का भी रोब होता है, जो कमाता है वो रोब भी डाल सकता है। जाओ जाओ अपना कारोबार चमका, और ये अब्बा जी कहना छोड़ो, अपना हिस्सा अलग कर लो। वो अलग क्या करूं, आग कर देंगे मुझे, पता है मुझे उनका। परवीन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कितनी बार बोला ये परवीन परवीन मत बुलाया करें, अच्छा नहीं लगता ना। ये तो परी है। बोले ना क्या काम है? वो मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम्हारे अब्बा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, और घर का राशन भी नहीं है, और मेरे मोबाइल का बैलेंस भी ख़त्म हो गया, कोई है भी नहीं कि जिससे मंगवाऊँ, क्या करूँ? अच्छा ठीक है पता है मुझे, हो जाएगा, अब आप जाएँ यहाँ से। ठीक है। घर के नाम मसले खत्म ही नहीं होते। अच्छा जान, ये घर की कुछ चीजें तो मंगवा दो, बस ये घर के मसले जैसे ही खत्म होते हैं ना तो मैं प्रोड्यूसर से तुम्हारे चांस की बात करूंगी। हाँ जरूरी है, जरूरी है। ये अभी फोन कर देता हूँ, सारा सौदा आ जाएगा घर पे, होम डिलीवरी। पता है मेहंदी पे तो मैं पहनूंगी ग्रीन कलर का लहंगा, साथ में चोली और ऑरेंज कलर की चूड़ियां और दुपट्टा, और हाँ बारात पे तो मैं वाइट रंग का अंगरखा बनवाऊंगी, और वलीमे पे तो बस मैं साड़ी ही पहनूंगी। साड़ी? क्यों, मैं साड़ी नहीं पहन सकती? अम्मी कही तुम्हें साड़ी पहनने ना दे, अम्मी देख लेना तुम्हें कहेंगी कवारी लड़कियां साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती।
हाँ वैसे गवारापन होना भी कितना बड़ा अजाब है ना, लेकिन समरा आप भी साथ भाई से शादी के बाद तो आपके मजे हो जाएंगे, मतलब कि आप कहीं भी घूमेंगे फिरेंगे कुछ भी पहनेंगे, साथ भाई तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम मेरे मजों को छोड़ो, दही पकड़ो और पुदीना मैं तुम्हें दे देती हूँ, सलाद बना लो, ताया वो आने वाले जल्दी इफ्रा। हाँ और एक और बात मैं बता रही हूँ, दूध पिलाई पे तो मैं पूरे 50,000 रुपए लूंगी, बता देना सायरा को, कोई कंजूसी ना दिखाए उस वक्त वो, बल्कि सायरा क्यों, मैं तो खुद साथ भाई से बात करूंगी। इफ्रा क्या क्या प्लान बना रही हो, तो क्यों ना बनाओ मैं प्लान भाई, ताया भी तो इसीलिए आ रहे हैं ना, अबू ने बात करनी है शादी कैसे होगी, कहाँ करनी है, क्या मेन्यू होगा, कितने लोग होंगे। पता है मैं अबू को कहूंगी आपको इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, पहले ताया अबू के इतने एहसानात हैं हम पे। तुम्हें याद है पिछले साल जब अम्मी का पित्ते का ऑपरेशन था, ताया अबू ने पैसे तो दिए पर बाद में ताई अम्मी ने हमें जितना जताया। लेकिन आप भी प्लीज आप अबू को मत मना करना भाई, शादी थोड़ी ना बार बार होती है। अच्छा भाई अब जल्दी से काम करो, ताया अबू आने वाले होंगे। ताया अबू आ गए। जी आई आई है भाई, आए आ गए भाई आ गए, चले और सब खरीद जी, जी जी भाई आए भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? शाबाश। नहीं मैं यहाँ ठीक। बैठे भाई, वो अपना लाओ भाई सामान लाओ बेटा, रखो वहां पर सामने रख दो। शाबाश, और जाओ बाहर गाड़ी में बैठो, जाके बैठ। बिस्मिल्लाह। शिव इतना सब कुछ भाई साहब बताया नहीं फैयाल ने तुम्हें? जी वो मैंने सोचा कि आप खुद ही बात करें। तुम फिक्र मत करो आफिया, मुझे भी यहीं आकर पता चला, मुझे भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया, क्या कह रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझने की जरूरत नहीं है आफिया, राशिद के लिए समरा का रिश्ता मांगने आए बस। सब हमने तो समरा का रिश्ता फयाज बताया नहीं इन्होंने आपको। बताया था फयाज ने मुझे, मैंने भी फयाज को बता दिया कि समरा मेरे राशिद की बीवी बनी। अम्मा जान की ख्वाहिश थी, बचपन में रिश्ता तय कर दिया था, याद है मुझे अच्छी तरह। अरे बताओ ना तुम। ऐसा तो कुछ अम्मा जान की ख्वाहिश, अम्मा जान की ऐसी ख्वाहिश का हमें तो कोई पता नहीं, और अगर ऐसी कोई बात होती भी सही भाई साहब तो भाभी राशिद के लिए लड़कियां क्यों देखती। हर माँ की ख्वाहिश होती है अपने बेटे के लिए कम से कम 10-20 घरों में जाके जहरा थे मेरे नजदीक थी बहुत बड़ी, लेकिन मैंने कह दिया था जो दिल चाहे करना है कर लो, समरा मेरे राशिद की बीवी बनेगी बस। माफ कीजिएगा भाई साहब, समरा का रिश्ता हम तय कर चुके हैं, बल्कि यूं समझें कि बात पक्की हो गई है। हाँ तो इनकार कर दो, मना कर दो भाई, अपनों से बढ़ के गैर तो नहीं हो सकते ना। ये होते कौन है हम पे हुकुम चलाने वाले, आप ही छोड़ो मुझे बात करने दो। चलो आप ही ना बात करने दो, कमरे में एक सेकंड चलो। आप ही अम्मी अबू बैठ के बात कर रहे हैं ना उनसे, ऐसे कैसे बातें सुना सकते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जब दिल चाहता है जलील कर देते हैं। भाई नहीं कराना उनके लोफर बेटे से आपका रिश्ता, हम कोई गुलाम है उनके। चुप कर जाओ इफ्रा, आहिस्ता बोलो आवाज जाएगी वहां तक। क्यों चुप रहूं, मेरा तो दिल चाह रहा है कि ड्राइंग रूम में जाके ना ताया अबू को सही की सुनूं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना।
हाथों पर जा क्यों नहीं रहे, बैठे क्यों हैं यहाँ? जब अम्मी ने इनकार कर दिया तो बस चले जाए। इनकार हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासतौर पर तब जब इनकार सुनने की और बर्दाश्त करने की किसी को उम्मीद ना हो। कैसे मना कर दें, किस तरह से इनकार कर दें? अरे बात पक्की करके पीछे हट जाए। देखो आफिया, हाँ तो तुम्हें करनी होगी, मैं इनकार सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पे, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोगों ने भी बात पक्की नहीं की है। रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं होते भाई साहब, और वैसे भी मेरी समरा पढ़ी लिखी है और राशिद मैट्रिक फेल, और उसकी हरकतें तुम शायद भूल भी हो आफिया, ये तुम्हारे साथ बैठे फैयाज साहब ये भी मैट्रिक पास नहीं थे, और तुम बीए थी। अवारगी, सिगरेट, जुआ, हर बुरी लत इनके अंदर थी। लेकिन फिर क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया इसके साथ, तो ठीक हो गया ना, सुधर गया। ऐसे राशिद को भी समरा बदल देगी, वो भी ठीक हो जाएगा। माफी चाहती हूँ भाई साहब, जो कुछ मैंने सहा है ना, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी से। लो और सुनो, क्या सह लिया तुमने? अच्छी तरह से जानती हूँ आफिया तुम लोग कौन थे। तुम्हारा बाप एक मामूली क्लर्क था रेलवे में, अगर तुम्हारी शादी फयाज से ना होती तो क्या किसी मिनिस्टर से होती? मेरा ये मतलब नहीं था भाभी। तुम्हारा जो भी मतलब हो आफिया मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैंने तो हर तरह से तुम्हारी मदद की है भाई, और आज ये तुम्हारे हालात हैं तो माशाल्लाह इनकी बेवकूफी और जहालतों की वजह से। अब्बा जान ने जायदाद में जो भी हिस्सा था वो इनको दे दिया, और इन्होंने अपनी अवारगियों में बेवकूफियों में उड़ा के ख़त्म कर दिया सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद मैं हर मौके पर हर जगह तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहा। आज जो ये रिश्ता मांगने आया हूँ ना मैं, ये भी मदद है। मेरे एहसान अगर याद होते तो इतनी बहस की जरूरत ना पड़ती अभी। मत करें आप हमारी मदद, आपके एहसान हमें अच्छी तरह याद है भाई साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बच्ची की कुर्बानी दे दूं। तुम इनकार कर रही हो? जी। और तुम कुछ नहीं बोलोगे? बीवी के सामने जबान खोलते हुए कुछ शर्म आ रही है तुम्हें? मैंने तो आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मैंने बताया था। क्या बताया था तुमने? मैंने भी तो बताया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेगैरत हो जाओगे कि बीवी के सामने कुछ बोलते हुए तुम्हारी। ठीक है ठीक, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही, तो अब कान खोल के सुन लो मेरी बात। अगर ये रिश्ता नहीं होगा ना तो बाकी रिश्ते भी खत्म। तुमसे, तुम्हारी बच्चियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मर गया मैं सबके लिए। नहीं 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 भाईजान, ऐसे ना, मैंने तो हमेशा आपको बड़ा भाई नहीं बाप समझा, इज्जत किया आपके। तो फिर ये इज्जत अफजाई किस खुशी में हो रही है कि बीवी के सामने बैठ के बकरी की तरह खामोश बैठे हो? चलो मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी भतीजियां, जबान नहीं थकती थी आपकी। देख ली अपने भाई की मोहब्बत, कैसे मान और गुरूर से आए थे आप रिश्ता मांगने। अरे ये आप ही थे जो भाई की बेरारवी पर सारी जिंदगी पर्दे डालते रहे, इसका ख्याल करते रहे, मोहब्बत करते रहे, इसे तो आपका जरा भी एहसास नहीं। चलो एक मिनट बात। अरे आप इतनी बेइज्जती के साथ जा ही रहा हूं तो सुन लो, जब सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए तो बाकी रिश्ते क्या कर ले? तो अब मेरे नजदीक भी तुम्हारा कोई एहतराम नहीं, कैसा भाई कैसी भाभी सब खत्म। एक हफ्ते के अंदर ये घर और दुकान खाली कर दो। जी जी हाँ, अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद दिलाऊं, ये मकान भी मेरा, जिस दुकान पर तुम बैठते हो वो भी मेरी। ठीक है भाईजान, लेकिन
मैं कहाँ जाऊंगा? तो बच्चियों का साथ है, क्या करूंगा मैं? किफालत का ठेका उठा रखा मैंने तुम्हारी। कहाँ जा रही हो तुम? जाके देखूं गए या नहीं। इफ्रा क्यों नहीं समझ रही? रुक जाओ प्लीज। आप रुक सकती हैं, मैं नहीं। और देखना, अब अगर तैगू ने कोई गलत बात की ना तो मैं किस तरह सुनाती। इफ्रा रुको, इफ्रा प्लीज मेरी बात सुनो। भाई हूँ तो मोहलत दे रहा हूँ, एक हफ्ते की। अगर कोई और होता सामान उठा के घर से बाहर फेंकता भी। अरे ऐसे कैसे आप सामान फेंक देंगे? दादा जान की जायदाद पर अबू का भी उतना हक है जितना आपका। क्या बकवास कर रही हो तुम? आप देख रहे हैं इसकी जबान? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हाँ सच कड़वा लग रहा है ना? चुप करो इफ्रा। अबू मैं आज चुप नहीं रहूंगी। बहुत एहसान जता दिए इन लोगों ने। कभी हमसे पूछा भी है कि हम जिंदा हैं, हम मर गए, कुछ खाया पिया भी है या नहीं, और आज तो जबरदस्ती रिश्ता मांगने आ गए। जबरदस्ती कोई नहीं है, खून का रिश्ता है मेरा। और तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? भाई हो गए, मैं बेटी हूँ। अरे बहस क्यों कर रहे हैं इस लड़की के साथ? ये सारी से आफिया की शय, देख नहीं रहे कैसे चिपक के खड़ी है इसके साथ? गलत समझ रही हैं आप बात। अरे रहने दो, मीसनी घुन्नी कहीं की। वैसे बहुत अच्छा तरीका है बड़े भाई को जलील करने का। तुम्हारे एहतराम को सलाम है। अब मैं भी चुप नहीं रहूंगा। अरे चलिए भाई। एक मिनट, कोई मोहलत वोलत नहीं, आज घर खाली हो जाना चाहिए। मेरी बात तो सुन ले। अबू आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं इनकी? हमें नहीं चाहिए इनकी एहसान और खैरात। आप चले। अरे बकवास नहीं करो, जाओ तुम अंदर। अरे चलो भाई। अबू ताया, अबू मुझे ये रिश्ता मंजूर है। देख लिया फैयाज, अम्मा की ख्वाहिश कभी गलत नहीं हो सकती। ये होती है बेटी। मेरा दिल कहता था ना कि मैं इसे बहू बनाऊंगा। चलो मुंह मीठा करवाओ। बैठो बैठो भाई, बैठो नरगिस जी। बैठ जाओ। फयाज तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा जवानी में तुम क्या हरकतें करते थे, लेकिन राशिद इतना बिगड़ा हुआ भी नहीं है। कारोबार पर ध्यान है उसका माशाल्लाह, और फरमा बरदार भी है मेरा। तुम अभी फोन मिला के देखो, मंडी गया होगा माल लेने के लिए। अभी आफिया क्या तारीख रखे थे? फयाज साहब से पूछना। फयाज से क्या पूछना है, मेरा भाई है, जो मैं कहूंगा वो मान लेगा। क्यों भाई, मेरा ख्याल है कि अगले महीने का आखिरी जुम्मा जो है वो रख लेते हैं, क्या ख्याल है? और हाँ, तुम लोगों ने कोई काम नहीं करना, कोई तैयारी शादी की, कोई जहेज वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ मैं करूंगा। ताया हूं समरा का, तुम लोग बेटी दे रहे हो ना, बस यही तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। तो बस अगले महीने का आखिरी जुम्मा पक्का मेरी तरफ से। एक मिनट मुख्तार साहब, कोई मशवरा मुझसे भी लेंगे या सब कुछ खुद ही तय करते चले जाएंगे? बोलो। जवाब से तो पूछ लें, वो आ भी सकता है या नहीं। अरे यार खुशी के इस लम्हे में जवाब को तो मैं भूल ही गया कि उससे भी बात करनी है। चलो अभी बात कर लेते हैं। अभी रहने दीजिए, इस वक्त कनाडा में रात होगी। लो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इस खुशी के अंदर। तो मेरे ख्याल में मैं कर लूंगा बात, से आ जाएगा वो। बस ये आखिरी जुम्मा पक्का ही समझो तुम दोनों, ठीक है ना? अरे भाई मुंह मीठा करवाओ, क्या कर रहे हो ये लोग?
खुश हो जा भाई। जरूरत क्या थी हाँ कहने की? हाँ आपने क्यों किया वैसे ऐसा? तुमने देखा नहीं ताया अब क्या कह रहे थे? हाँ तो क्या मकान और दुकान ही छीन लेते ना, आपकी खुशियां तो बच जाती भाई। मैं अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी की खातिर तुम सबकी जिंदगी और खुशियां नहीं छीन सकती। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं इफ्रा। और साथ भाई उनका क्या होगा? क्या होगा मतलब? उनकी मोहब्बत आपके नजदीक कुछ नहीं थी? नहीं, दो दिन की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत तो बरसों पे मोहित होती, तुम्हारे अम्मी अब्बू की मोहब्बत क्या आगे? मेरे लिए और किसी की मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं ऐसी मोहब्बत मोहब्बत की। राशिद भाई आपके लायक नहीं है, आपका उनसे कोई जोड़ नहीं है। पर मैं तो वैसे भी लड़ रही थी सबसे, मैं मना कर सकती थी ताबू को, मगर आपने यहां क्या थी? मैं अब्बू की मजबूरी को समझ सकती हूँ, वो मेरी मोहब्बत में बहुत बड़ा खतरा मोल लेते और मैं उनको इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डाल सकती। और आपने खुद को जो इतने बड़े इम्तिहान में डाली है वो तुम्हारी बहन बहुत बहादुर। देखो जानती हूँ मैं कितनी बहादुर है, घर में बहुत शोर है, आप सारी उम्र धीमी आवाज को तरस जाएंगे, लेकिन कम से कम अब तुम सबको कोई डरा नहीं पाएगा, इस बात से मैं खुश हूं। जी जी बना बनाया हीरो है जनाब, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हाँ जी लेके आ रही हूँ। और हाँ बड़ी ज़रूरी बात करनी थी मैंने आपसे, इस बार मैं ड्रामे का एडवांस नहीं पूरी पेमेंट लूँगी। और हाँ एक और बात, यार मेरे साथ कोई आलतू फालतू आर्टिस्ट मत साइन कर लिया करें। जी शहजादी की ही बात कर रही हूँ, सिर्फ नाम की शहजादी हैं वो। खैर अगली बार एहतियात कीजिएगा, बस मैं अभी आई। मान गया? कैसे ना मानते, परी की बात कोई नहीं टाल सकता। वैसे एक बात है, थिएटर पर काम करने का भी अपना ही मजा है, हाथ के हाथ दाद वसूल हो जाती है। एक बार थिएटर कर लिया ना फिर कहीं और जाने का सोचोगे भी नहीं। बस एक बात है परी, मैं किसी पंटर वंटर का रोल नहीं करूंगा, वो जो पीछे खड़े हुए ऐसे ही छिलके टाइप। मुझे करना है अच्छा वाला मेन रोल, वो भी तुम्हारे साथ। अल्लाह कितनी जल्दी है ना तुम्हें, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर पहला कदम रखना पड़ता है, तभी कोई बुलंदी पर पहुंचता है। बाजी को क्या हो गया? उठा लो ना, ऐसा ना हो आग कर दे तुम्हें जायदाद से। जी अब्बा जी, जी जी अब्बा जी आ रहा हूँ, नहीं अभी 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 तो नहीं, वो कुछ सामान वामान खरीदने जा रहा हूँ ना, कुछ देर तो लगेगी ना, एक डेढ़ घंटा लगेगा ना। एक डेढ़ घंटा? जी जी ओके अब्बा जी। तुम लोगों की भी अजीब ही किस्मत है, शादी से पहले
अब्बा जी पीछे पड़े रहते हैं, और शादी के बाद बीवी। अच्छा तेज भी चलाओ, इंतजार कर रहे हैं वो हमारा। कोई जूस वूस चलेगा? अरे सब लेंगे, पहले जरा खुशखबरी तो सुना दूं तुम्हें। आज तो तुम प्यारे भी बड़े लग रहे हैं। आपसे कम ऐसे ही बना रहे हो। ऐसे भी रिश्ता होता है तो जबरदस्ती से? सब मेरी वजह से, मेरे जैसा कमजोर और कम हिम्मत बाप बेटी की ढाल ही नहीं बन सकता। आज ख्याल आ रहा है कि जमाने की गलतियां और नादानियां, इसका खमियाजा आपको ही नहीं आपकी औलाद को भुगतना पड़ता। वो किसी तरह भी मेरी बच्ची के लायक नहीं है। आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी बच्ची को बचा ले। फिर मैं अब क्या करूं? तो समरा ने हाँ कर दिया, तो खुदा से दुआ करो कि समरा की नेकी और साथी से राशिद बदल जाए जैसे तुमने मुझे बदल दिया। दुआओं से तो मुश्किलें आसान हो जाती है। लड्डू खाई जा रहे हैं, क्या हुआ है कुछ हमें भी तो पता चले क्या हो रहा है घर में। तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आ रहे हैं, बल्कि शादी की तारीख भी तय कर दी है। हैं हैं हैं, ये कब हुआ? मुझे बताया तक नहीं। मीटर घूम जाएगा अम्मा, कहाँ रिश्ता किया मेरा बता दो। सुधर जाओ तुम अब, और बात करते हुए तमीज तहजीब का ख्याल रखा करो। मेरे मुंह से क्या आग निकल रही है? क्या कह दिया मैंने? यही पूछ रहा हूं, रिश्ता कहां किया बताएं, कहां किया आपने बोले तो। तुम्हारे फयाज चाचा की बेटी समरा से। ये क्या कर दिया आप दोनों ने? वो फीका शलजम, वो छिपकली, उस न्योले की शक्ल वाली से। या अल्लाह मेरी किस्मत फूट गई है। क्या कर दिया आपने? अम्मी अब्बा मेरा ख्याल नहीं आया। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शुक्र अदा करो कि उस जैसी नेक और शरीफ लड़की से रिश्ता तय हुआ तुम्हारा। क्या करूं, भंगड़े डालूं, डांस वांस करूं? इन्हीं हरकतों की वजह से को बेटी ना दे तुम्हें। अब आप तो बस रहने दे आप, अपने बेटे में ही बुराइयां नजर आती है आपको, बाकी सारी दुनिया अच्छी लगती है। और आप जरा मुझे देखिए, आप तो बड़े दावे करती थी, मिनिस्टर की बेटी लेके आऊंगी, डॉक्टर की बेटी लेके आऊंगी, वकील की बेटी लेके आऊंगी। ये क्या है, कहां कर दिया मेरा रिश्ता? या अल्लाह कहां है नादरा खाला, हैं जो रिश्ते कराती थी, कहां चली गई वो? वो कहते हैं सयाना कपड़ा गूं पे गिरता है, गूं पे गिर गई आप। प्यास सीते के पास है क्या? ढाई इंच की कपड़े की दुकान बस, संभला की बच्ची, मुझे नहीं करना रिश्ता। अरे तुम्हारे बाप ने मुझे मोहलत ही कब दी? भाई की मोहब्बत ऐसी जागी कि रिश्ता तय करके ही उठे भाई। हाँ इनकी तो मोहब्बत सारी भाई के लिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं, बेटे का कोई ख्याल नहीं है। मैं तुम्हें कारोबार और जायदाद से तो आग करूंगा ही, घर से भी बाहर निकाल दूंगा समझे। अब्बा मैं मजाक कर रहा हूं, आप मुझे बताएं तो सही, मैं यार रिश्ता नहीं करूंगा। बस जो कह दिया सो कह दिया, आखिरी जुमा है, उसके बाद सारे इंतजाम करने, अपनी माँ से पैसे लेना और जैसा जो चाहिए वो लेके आने जाके, और लड्डू खिलाए इनको, आप भी खाए ना। हाँ जवाब बेटा, सलाम अलैकुम।
हाँ सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे भाई राशिद का रिश्ता कर दिया हमने, बस शादी की तैयारियां शुरू हैं, तो तुम भी आओ। अरे वो फयाज सरसे की बेटी समरा है ना, उससे हाँ हाँ तुम्हारी समरा बाजी हुई। हाँ तुम्हारी समरा बाजी की शादी में क्या भगड़े डाले तू भी। चुप। नहीं तुम्हें पता है ना इसकी आदत होगा, ऐसी बकवास कर रहा होता है। बस बस आओ तुम जल्दी बेटा, जैसे मैं उसे बोल। ठीक है, वैसे बकवास नहीं कर रहा था मुख्तार साहब। समरा की मंगनी, ये क्या कह रही हैं आप? उस दिन तो आपने हमसे ऐसा कोई तस्करा नहीं किया था। वो बस असल में समरा के ताया नहीं याद दिलाया है कि समरा की दादी राशिद का और उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर गई थी। बचपन में तय कर दिया था? अरे बहन कैसी बातें कर रही हैं आप। देखिए बुजुर्ग तो ऐसी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन आप इसको इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? मजबूरी है बहन, सीरियस लेना पड़ रहा है। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, बस सब ये रिश्ता नहीं हो सकता। इनकार कर दिया, कह रही है कि समरा का रिश्ता उसके तायाजाद भाई से बचपन में तय हो गया था। अगर ऐसी बात थी तो मैं पहले बता देती, हम हमारा वक्त जाया किया। साथ क्या हुआ बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मैं बात करूंगी अभी उनसे, और अगर नहीं मानी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? मेरा बेटा इतना प्यारा है, तुम पर ऐसी हजारों लड़कियां कुर्बान। चलो अपना मूड सही करो, इतनी इतनी सी बातों पे ऐसे थोड़ी हो जाते। क्या कह रही हूं मैं साहब, मुबारक हो बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशी की खबर और मुझे ही नहीं बताया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राशिद मियां के लिए समरा बेहतरीन इंतखाब है। तुम्हारी जबान तो है ही काली, मनहूस हो तुम पूरी की पूरी। कमाल करती हैं बाजी आप भी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। समरा बहुत अच्छी बच्ची है, सुघड़ और समझदार भी। वो राशिद मियां के लिए आपको ऐसी लड़की चाहिए थी ना? ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है,
बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं, उसे भी और उसकी माँ को भी। अच्छा तुम्हें एक काम के लिए बुलाया, वो दर्जन है ना, क्या नाम है उसका, अमीरन? हाँ उसे बुला कर लाओ। मगर क्यों? अरे भाई बरी के मेरा मतलब है समरा के लिए कपड़े सिलवाने हैं। कमाल करती है बाजी, अब भी बरी के कपड़े दर्जन से सिलवाएंगी? तो क्या किसी डिजाइनर से बनवाऊं, इतनी औकात है उसकी? ये तो आफिया शुक्र अदा करे कि उसकी बेटी को मैं अपनी बहू बना रही। मेरा मतलब ये था कि बरी तो सारा खानदान देखता है, और अगर बरी अच्छी ना हुई तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी ना। अच्छा बस बस, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है, जितना कह रही हूँ ना तुमसे बस तुम उतना करो। पहले ही मेरा दिल बहुत जला हुआ है, क्या क्या सोच रखा था, किसी बड़े ऊंचे खानदान से प्यारी सी बहू ब्याह कर लाऊंगी, यहाँ से तो एक तिनका मिलने की उम्मीद थी। वो जवाद में अभी आ रहे हैं क्या? जाहिर है भाई, भाई की शादी है, वो नहीं आएगा क्या? बेवकूफों वाली बातें। अच्छा अब जाओ, जाकर उसे दर्जन को बुला कर लाओ। अच्छा अभी बुला कर लाती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, दिमाग खा जाती है। Oh yeah.